बस हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल से इंडियन से ज़्यादा, इंडियन टीम से बहुत अच्छी हमारी टीम है, बहुत अच्छे हैं हमारे प्लेयर्स। इस वजह कैसे कौन अच्छा है? जैसे कि शाहीन अफरीदी, मैं उसकी फ़ैन भी हूँ। और शाहिद अफरीदी है, शाहीन अफरीदी तो अब खेल रहे हैं ना, शाहिद अफरीदी है अब पुराने वाले टीम। एक ही, हम उनको एक ही समझते हैं क्योंकि वो दोनों अब एक ही उससे बिलोंग करते हैं फैमिली से, तो शाहिद अफरीदी। और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल हमें होप है कि फिर भी होप है क्योंकि इसमें सचिन तेंदुलकर नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है, तो मे भी इतने बड़े नाम नहीं है मेरे नज़र में। युवराज सिंह है, ठीक है, इरफान पठान, यूसुफ खान खत्म हो गया हुआ है। अच्छा। उसकी 2014 में लास्ट आईपीएल खेला है उसने। अच्छा। उसके बाद वो नहीं खेला, ठीक है, और रिदम में भी नहीं है। तो आप हल्का कैसे ले लेते हो इतने बड़े बड़े नामों को, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हल्का ले लिया है ना, तो इसलिए बात कर रहे हैं ना, इसलिए क्रिकेट में हल्का ना लेना, उसी में तो हल्का लिया है। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। मैं नहीं मानता क्योंकि पिछले साल आईपीएल में पुराने प्लेयर्स खेले थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी खासी नहीं थी, तो क्या नाम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और भी पुराने खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनका रिदम में नहीं। हमारे शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, हर काउंटिंग लीग में खेल रहे हैं। उसके अलावा क्या नाम है, शर्जील खान भी काउंटिंग खेल रहे हैं दूसरी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्या नाम बैकअप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो हमारी टीम चेस कर जाएगी हर चीज़ को। एक अच्छा कप्तान था, उसने हमें पहले ही वर्ल्ड कप विन करवाया, तो इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वैसे ही पॉजिटिव बंदा है, तो अल्लाह ताला इज्जत देता है ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को अल्लाह हमेशा नवाजता है, पहले भी उसको नवाजा है, तो अभी भी अच्छी उम्मीद करनी चाहिए और इंशाल्लाह विन करेंगे। इंडियन टीम के अंदर भी काफ़ी तगड़े प्लेयर मौजूद हैं, इरफान पठान हो गए, युवराज सिंह हो गए। इरफान का तो चलो मज़ा आएगा ना, बातें काफ़ी करता है, तो चलो अभी देखते हैं ना कि ये सिर्फ बोलता ही है या करके भी कुछ दिखाता है। अच्छा। तो ये तो अच्छी बात है, इरफान पठान को उन्होंने डाला है टीम में, तो मज़ा आएगा इरफान पठान को देखने का। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, नॉर्मल प्लेयर है। हमारे बहुत से मैचेस विन कर चुके हैं जिनको आप ओला ले रहे हो, क्या हुआ है? विन कर चुके हैं तो हम भी विन कर लिए ना, हमने भी दो, हम भी आगे विन करेंगे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। तो हरभजन सिंह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, हमारे शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, मिसबाह हक है, इतने इतने ग्रेट प्लेयर हैं हमारे, इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं, तो फिर देख लें, फिर वो ही आ जाएगा फिक्स वाला हिसाब। अच्छा, तब फिक्स हो जाएगा, सब भी फिक्स है। अगर मेरी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान जीते तब मैच फिक्स नहीं होगा, अगर पाकिस्तान हारे तो तब मैच फिक्स हो जाएगा। नहीं, फिक्स नहीं, अगर तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बॉलिंग इनकी अच्छी होगी तो फिर तो फिक्स नहीं है, फिर ये इनकी हार जीत मुकद्दर में। अगर इनकी बैट्समैन भी हमारे जो नए प्लेयर हैं इनकी तरह होगी तो फिर आप खुद ही मैच देख के समझ जाएंगे कि ये फिक्स हो चुका है। तो आज तक नहीं समझी कि मैच फिक्स है या नहीं है भाई, क्यों नहीं देख लें आप ये T20 में क्या है, सारी टीमों से किस तरह जीते हैं ये। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए ना, हमारा जो यंग क्रिकेटर है, जो मतलब ये हमारा टीम है जो वर्ल्ड कप हार गया, इन लोगों के मुंह पे लानत लोग देगा, क्योंकि ये यंग है और वो जो है ना बूढ़े हैं। उसने आगे 190 का स्कोर टारगेट उसने दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो जीत गया पाकिस्तान। देखो ये जो यूनुस खान था उसने बनाया 360 स्कोर 41 बालों पर, अगर मारा बाबर आजम होता तो 41 पे वो 41 ही बना लेता, रिजवान होता वो भी इतना करता। हमारा वो पुराने प्लेयर है माशाल्लाह, वो कैसा अच्छा मैच खेल दिया, 190 जीत लिया, 190 का टारगेट बहुत टारगेट होते हैं। अगर यंग होते हैं ना, यंग बंदी नहीं जीत सकते, वो पुराने प्लेयर था माशाल्लाह, उसने अच्छा खेला वो जीत गया। आगे इंडिया के साथ जो मैच है इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी जीत जाएगा, लेकिन इन लोगों के मुँह पर क्या पड़ेगा, अगर ये इंडिया से जीत जाए और इन ये लोग देख ले, अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं पूरी पाकिस्तान की। आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट तो पाकिस्तानी सारे ही हैं, एक होता ना, सारे थोड़ी होते नहीं, हमारी टीम में हम तो सबसे प्यार करते हैं, एक से नहीं करते। हारे या जीते हमें तुमसे प्यार है, वाह जी, ये एक ही बात, हारे या जीते हम इनसे प्यार करते हैं। हार जीत किस्मत की बात है, अब प्रैक्टिस की बात है। चलो प्रैक्टिस की बात है, मैं कहने का मकसद ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुसलसल, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा शाहिद अफरीदी, बूम बूम जी, और बूम बूम शाहीन अफरीदी भी फेवरेट है जी। इंशाल्लाह हमें तो लगता है, क्योंकि अगर उनको ये है कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, नए प्लेयर्स से ज़्यादा वो अच्छे हैं, तो
डेफिनेटली अच्छा लगेगा क्योंकि वो पुरानी टीम है और हर बंदे की आंखें उधर ही हैं। अब हम भी वही क्या नाम है अभी देख रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ लास्ट पे आकर उन्होंने जितने आउट किए वो बहुत मजे के किए। दफा जीते हैं हम इस लेजेंड्स ट्रॉफी में। और पहली बात ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े नामों के साथ खेल रही थी फिर भी जीत गई। डिपेंड करता है क्या नाम है पिच पे क्योंकि यूएसए की पिच फारिग थी। अच्छा। जिस वजह से क्या नाम है उनके हमारे जो खिलाड़ी है ना फ्लैट पिच पे खेल नहीं पाते। खेलने की आदत है? नहीं नहीं मैट्रेस पे क्या वो तो अल्लाह माफ करे जिनको खेलने की आदत है वही खेलते हैं। अच्छा। ठीक है वो जो क्या नाम है वो बर्मिंघम में हो रहा है मैच तो उनकी फ्लैट्स पे बड़ा अच्छा खेले हुए हैं हमारे सारे खिलाड़ी तो क्या नाम है इंशाल्लाह जीतेंगे। इसको जान लगाना चाहिए और इसको जीतना चाहिए। हम भी ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये मैच जीतना चाहिए बाकी आगे मैच आप जीत जाए या हार जाए कोई मसला नहीं लेकिन इंडिया से ये मैच समझो कि ये वर्ल्ड कप है ये जीतना चाहिए। नहीं पुरानी टीम तो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही आई है और पुरानी टीम लेगी भी नहीं और इवन के हमारा जब लाहौर बादशाह था मेरे ख्याल में जब इनके आईपीएल में जाके एक दफ़ा इन्होंने मैच विन करके आए थे बल्कि टूर्नामेंट विन करके आए थे तो मेरे ख्याल में नहीं ये वो दूसरी जो नेशनल टीम की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे लाइक जो अभी करंट टीम जो दूसरी टीम चल रही है उसकी तरह नहीं फॉर्मल प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं आपकी होस्ट निम्रा आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ जिसमें पाकिस्तान को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हासिल हुई लेकिन अब बर्मिंघम के अंदर मैच जारी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड 2024 के मैचेस हो रहे हैं बर्मिंघम के अंदर और कल पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला होने वाला है इंडिया के साथ और काफ़ी तगड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों ही टीम्स में हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी चैंपियंस का इस वक्त जो कप्तान है वो है यूनुस खान इसके अलावा शाहिद अफरीदी भी बीच में शामिल है अब्दुल रजाक भी इस टीम का हिस्सा है वहाब रियाज भी इस टीम का हिस्सा है इसी के साथ साथ और भी जाने माने एक्सपीरियंस खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है। वहीं पर अगर उसके ऑपोजिट इंडियन टीम की बात करें हरभजन सिंह युवराज सिंह इसी तरह से बड़े बड़े खिलाड़ी इरफान पठान यूसुफ पठान और बड़े बड़े नाम जो हैं वो वहां पर इंडियन टीम के अंदर भी खेल रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन तो इंडिया से जीत नहीं पाई लेकिन क्या चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड 2024 में मात दे पाएगी पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम को क्या लेजेंड्स को बीट कर पाएंगे या नहीं या वही हाल होगा कि हमें कल भी शिकस्त का ही सामना होगा। पाकिस्तानी आवाम की तरफ बढ़ते हैं रिव्यूज लेते हैं मिलते हैं वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह क्यों नहीं जरूर इंशाल्लाह। अच्छा इतनी श्योरिटी कैसे? बस हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से इंडियन से ज़्यादा इंडियन टीम से बहुत अच्छी हमारी टीम है बहुत अच्छे हैं हमारे प्लेयर्स इस वजह से। कैसे कौन अच्छा है? जैसे कि शाहीन अफरीदी मैं उसकी फ़ैन भी हूँ और शाहिद अफरीदी है शाहीन अफरीदी तो अब खेल रहे हैं ना शाहिद अफरीदी है अब पुराने वाले एक ही हम उनको एक ही समझते हैं क्योंकि वो दोनों अब एक ही उससे बिलोंग करते हैं फैमिली से तो शाहिद अफरीदी और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये ना भूलें कि हम लोगों ने 1990s में सिर्फ एक बार ही वर्ल्ड कप जीता हुआ है और ऐसे बहुत से महाज आ चुके हैं जहाँ पर इंडियन टीम ने पाकिस्तानी पुराने टीम प्लेयर्स को भी हराया है बट स्टिल हमें होप है कि फिर भी होप है कैसे होप है बस हमें लगता है कि इस दफ़ा वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह लगता है जीत जाएंगे जी कोई वजह होती है ना बिल्कुल मेरे ख्याल से क्योंकि वो बहुत अच्छे एक तो वो बहुत पुराने हैं और दूसरा वो बहुत अच्छा खेलते हैं सामने वाले भी पुराने ही आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं हमें फिर भी है कि वो जीतेंगे वो बहुत उनसे प्यार है बहुत प्यार है और हमारी उनके साथ होप है उम्मीद है बहुत ज़्यादा। कौन है फेवरेट? मेरा शाहिद अफरीदी बूम बूम जी और बूम बूम शाहीन अफरीदी भी फेवरेट है जी। अच्छा मुझे ये बताएं हमारे पुराने प्लेयर्स ने तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया अभी नई जनरेशन जो खेल रही है बाबर आजम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया मोहम्मद आमिर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया लेकिन क्या वो जो उन्होंने बातें खुद बोली है जब वो इंडिया के सामने प्ले करेंगे तो उस पूरे सिनेरियो पर खुद पूरा उतर पाएंगे? इंशाल्लाह हमें तो लगता है क्योंकि अगर उनको ये है कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं नए प्लेयर्स से ज़्यादा वो अच्छे हैं तो
डेफिनेटली, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंशाल्लाह, पता है क्या बात है, हमारी पुरानी टीम जो एनसी है बड़ी मजबूत है, उसमें शर्जील खान भी है, ठीक है, और यूनस की वो ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले हैं, और मिसबाह उल हक भी। मैं मानता हूँ कि क्या नाम है, हमारी जो टीम है ना वो अच्छे से चेस कर जाएगी अगर बड़ा भी टारगेट मिला, क्योंकि हमारे पुराने लेजेंड्स हैं, उनको क्रिकेट का हाव भाव पता है सारी चीज़ें। इस बारे में मैं पॉजिटिव व्यू दूंगा, क्योंकि ये जीत जाएंगे, परसों कल वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो बड़ा अच्छा व्यू आया, दो मैचेस में पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। लेकिन अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं, वहाँ पर भी कोई कम तगड़े प्लेयर मौजूद नहीं है। हरभजन सिंह खेल रहे हैं, इरफान पठान खेल रहे हैं, यूसुफ पठान खेल रहे हैं, इसी तरह से और बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त उनकी, युवराज सिंह भी खेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, टक्कर का मुकाबला लग रहा है आपको? मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछले साल आईपीएल में पुराने प्लेयर्स खेले थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी खासी नहीं थी, तो क्या नाम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और भी पुराने खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनका रिदम में नहीं। हमारे शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, हर काउंटिंग लीग में खेल रहे हैं, उसके अलावा क्या नाम है, शर्जील खान भी काउंटिंग खेल रहे हैं दूसरी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्या नाम बैकअप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो हमारी टीम चेस कर जाएगी हर चीज़ को। हमारा एक हमेशा रिकॉर्ड रहा है, हम चाहे किसी भी टीम से जीत जाए लेकिन जब सामने इंडियन टीम आती है तो प्रेशर इतना क्यों ले लेते हैं, चाहे वो पुराने खिलाड़ी हो चाहे वो नए खिलाड़ी हो। प्रेशर तो जाहिर सी बात है, बड़ा मैच है क्योंकि पुराने लेजेंड्स हैं और दोनों के नामों पे पड़ रही है कि भाई हमारे जो टीम है कैसे जीते, लेकिन क्या नाम है, हमें बिलीव है कि वो जीत जाएंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है। अगर वो कल जीत गए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पुरानी टीम है और हर बंदे की आँखें उधर ही हैं, अब हम भी वही क्या नाम है अभी देख रहे थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लास्ट पे अगर उन्होंने जितने आउट किए वो बहुत मजे के किए। दफा जीते हैं हम इस लेजेंड्स ट्रॉफी में, और पहली बात ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े नामों के साथ खेल रही थी फिर भी जीत गई। ये और अगर कल हम हार गए, फिर हार गए तो फिर भी पॉइंट टेबल पे नंबर वन ही रहेंगे क्योंकि बाकी टीमों से तो जीत ही रहे हैं, की टीमों से जीत रहे हैं, लेकिन स्पेशल हम काउंट करते हैं ना इंडिया के साथ, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, जीत जाएंगे वो। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी रिसेंटली जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमारे जो पुराने लेजेंड्स हैं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि ये तो इंडिया के अगेंस्ट 120 रन नहीं बना पाए थे, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। बाबर आजम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, शुएब मलिक ने भी क्रिटिसाइज किया था, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म की थी, तो क्या वो खुद उस क्राइटेरिया पर खरा उतर पाएंगे जहां सामने इरफान पठान होंगे, युवराज सिंह होंगे और इसी तरह के प्लेयर्स होंगे? डिपेंड करता है क्या नाम है पिच पे, क्योंकि यूएसए की पिच फारिग थी। अच्छा। जिस वजह से क्या नाम है उनके, हमारे जो खिलाड़ी है ना फ्लैट पिच पे खेल नहीं पाते, मैट्रेस पे खेलने की आदत है। नहीं नहीं, मैट्रेस पे क्या, वो तो अल्लाह माफ करे, जिनको खेलने की आदत है वही खेलते हैं। अच्छा। ठीक है, वो जो क्या नाम है वो बर्मिंघम में हो रहा है मैच, तो उनकी फ्लैट्स पे बड़ा अच्छा खेले हुए हैं हमारे सारे खिलाड़ी, तो क्या नाम है इंशाल्लाह जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल पिच का मसला ना आए, बस पिच का मसला आता भी नहीं, क्योंकि वो क्या नाम है, कहते हैं होम ग्राउंड है क्रिकेट का, पहली बात वहीं से क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, तो मैच में बाज़ाब्ती नहीं होगी इस चीज़ में। अच्छा, मुझे बताएं लेजेंड्स में आपस में किसका टकराव आपको सबसे ज़्यादा लगेगा, इंडिया में से किसका प्रेशर होगा या पाकिस्तान में से किसका प्रेशर होगा ज़्यादा? ज़्यादातर शर्जील खान पे होगा, और क्या नाम है, शर्जील खान के वैसे बड़े फैंस हैं, ठीक है, और हमारा मलिक साहब भी जो हैं, ठीक है, और यूनस खान बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, हमारे टॉप नामों में से नाम है, और मिसबाह उल हक भी मैं कहता हूँ कि अच्छा चलेंगे। अब्दुल रजाक तो दोनों मैचों में नहीं चले क्योंकि क्या नाम है वो थोड़े एजड हैं, तो बाकी इंशाल्लाह अच्छा। वैसे भी क्रिकेट में नहीं है उनका ज़्यादातर, अब्दुल रजाक साहब का ज़्यादातर ध्यान वैसे ही कॉन्ट्रोवर्सीज में रहता है। मैं ये बात नहीं मानता, जब क्या नाम है एक लेजेंड इतना बड़े बड़े मैचेस लास्ट तक जितवाने वाला बंदा, ठीक है, लास्ट तक जितवाने वाला बंदा जो है क्या नाम है, मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता, बात है फिटनेस लेवल पर, वो क्या नाम है खेलता अच्छा बंदा है लेकिन क्या नाम है अब वो रह गया है एज के हिसाब से, और उसकी जो चीज़ है ना वो कम हो गई हुई है, रिदम जिसको कहते हैं मैच में, तो इस वजह से मैं नहीं मानता कि ये चीज़ कंट्रोवर्सी जो चीज़ है, मैं नहीं मानता कि उस वजह से ये काम हो रहा है। मुझे ये बताएं, अब ये तो आपने पाकिस्तान का बता दिया, अब इंडियन टीम का बताएं कि किसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा?
क्योंकि इसमें सचिन तेंदुलकर नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है, तो मैं भी इतने बड़े नाम नहीं है मेरे नज़र में, युवराज सिंह है, ठीक है, इरफान पठान, यूसुफ खान खत्म हो गया हुआ है। अच्छा। उसकी 2014 में लास्ट आईपीएल खेला है उसने। अच्छा। उसके बाद वो नहीं खेला, ठीक है, और रिदम में भी नहीं है। अच्छा। तो ये बात है, आज इंग्लैंड और उसका हो रहा है तो देख लेना आप कितना कौन अफगानी टीम को वही ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्ट्रेटजीज बताने का काम इरफान पठान ने किया था, उनकी मीटिंग्स काफी ज्यादा उनके साथ हुई। आप हल्का कैसे ले लेते हो इतने बड़े बड़े नामों को, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हल्का ले लिया है ना, तो इसलिए बात कर रहे हैं ना, इसलिए क्रिकेट में हल्का ना लेना, उसी में तो हल्का लिया है अभी, क्योंकि आज मैच हो जाएगा इंग्लैंड के साथ, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। इतने बड़े नाम उधर भी है, केविन पीटरसन भी खेल रहा है, ठीक है, क्या नाम है, और भी बड़े बड़े नाम है, वो खेल रहे हैं, तो पता चल जाएगा आज कौन जीतता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद पर सब दुनिया क्या है, हम तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, और उम्मीद रखनी चाहिए इनसे। कैसे जीतेंगे कल? कल उम्मीद तो काफ़ी है, जोश खरोश है जैसे उनके अंदर देखा गया है माशाल्लाह, और पाकिस्तान की आवाम भी उनके लिए दुआ करेगी। जैसे पहले उन्होंने हमें बदनाम कराया है, शर्मसार कराया, तो वो तो बहुत दुख की बात है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इनसे, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे कप्तान है इस वक्त यूनुस खान, ठीक है, मिसबाउल हक भी खेल रहे हैं, शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, शर्जील खान भी खेल रहे हैं, वहाब रियाज भी खेल रहे हैं, अब्दुल रजाक भी खेल रहे हैं, और सामने वाली टीम इंडियन टीम में भी काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं, हरभजन सिंह, इरफान पठान, तो जो आपस में टाकरा होगा, क्या मैच टफ होगा या इजीली विन कर जाएंगे आपके मुताबिक? नहीं, मैच तो हमेशा ही इंडिया और पाकिस्तान का टफ ही होता है, ईजी तो कभी नहीं हुआ, तो जब भी आपने तारीख पढ़ के देख लें आप, जब भी जो मैच हुए हैं वो टफ ही हुए हैं, इजी नहीं है, बाकी अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं पूरी पाकिस्तान की। आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट तो पाकिस्तानी सारे ही हैं, एक होता है ना, सारे थोड़ी होते हैं। नहीं, हमारी टीम में हम तो सबसे प्यार करते हैं, एक से नहीं करते। हारे या जीते हमें तुमसे प्यार है, वाह जी, ये एक ही बात, हारे या जीते हम इनसे प्यार करते हैं। अगर कल इंडियन टीम जीत गई फिर भी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए, हार जीत मुकद्दर है। टी20 में हमने कहा नेक्स्ट टाइम हम तैयार है मुकाबले के लिए, अब यहाँ भी हार गए फिर कहेंगे नेक्स्ट टाइम तैयार है, फिर वहाँ भी हारेंगे फिर कहेंगे नेक्स्ट टाइम तैयार है, भाई तैयार कब होंगे? हार जीत किस्मत की बात है, अब प्रैक्टिस की बात है। चलो प्रैक्टिस की बात है, मैं कहने का मकसद ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुसलसल, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे तो काफ़ी करंट प्लेयर तो जीत नहीं रहे, तो पुराने को तो जीतना चाहिए, और अच्छी फॉर्म में भी है, दो मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो अच्छी उम्मीद है और अच्छी फॉर्म में है, तो वैसे भी यारी दोस्ती नहीं है इसमें। अच्छा। जो ग्रैंड टीम में यारी दोस्ती चल रही है उस तरह का सीन नहीं है, तो मेरे ख्याल में जीतेंगे। तो कल यूनुस खान की कप्तानी चल जाएगी या नहीं? यूनुस खान एक अच्छा कप्तान था, उसने हमें पहले ही वर्ल्ड कप भी विन करवाया है, तो इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वैसे भी पॉजिटिव बंदा है, तो अल्लाह ताला इज्जत देता है ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को अल्लाह हमेशा नवाजता है, पहले भी उसको नवाजा है, तो अभी भी अच्छी उम्मीद करनी चाहिए और इंशाल्लाह विन करेंगे। इंडियन टीम के अंदर भी काफ़ी तगड़े प्लेयर मौजूद हैं, इरफान पठान हो गए, युवराज सिंह हो गए। तो चलो मज़ा आएगा ना, बातें काफ़ी करता है, तो चलो अभी देखते हैं ना कि ये सिर्फ बोलता ही है या करके भी कुछ दिखाता है। अच्छा। तो ये तो अच्छी बात है, इरफान पठान को उन्होंने डाला है टीम में, तो मज़ा आएगा इरफान पठान को देखने का। खान भी मौजूद है, युवराज सिंह भी मौजूद है, हरभजन सिंह भी मौजूद है, क्या बोलते हैं, कैसा मुकाबला होने वाला है कल, प्रेशराइज हो जाएंगे हम के नहीं? इंटरेस्टिंग मैच होगा, मज़ा आएगा, तो प्रेशराइज नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग दो मैच बड़े अच्छे विन किए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस है और हमारे प्लेयर भी अच्छे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के प्रेशराइज होंगे। अभी शुरू से एक रिकॉर्ड रहा है कि मैच दूसरी टीम से चाहे जीते लेकिन जब सामने इंडियन टीम आती है, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, तो प्रेशर ले लेते हैं, ये क्या मसला है? नहीं, पुरानी टीम तो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही आई है, और पुरानी टीम लेगी भी नहीं, और इवन के हमारा जब लाहौर बादशाह था मेरे ख्याल में, जब इनके आईपीएल में जाके एक दफ़ा इन्होंने मैच विन करके आए थे, बल्कि टूर्नामेंट विन करके आए थे, तो मेरे ख्याल में नहीं, ये वो दूसरी जो नेशनल टीम की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, लाइक जो अभी करंट टीम जो दूसरी टीम चल रही है उसकी तरह नहीं, फॉर्मल प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म, मुझे नहीं लग रहा कि प्रेशर लेंगे अपने ऊपर बिल्कुल भी। अच्छा, बताएं किसका प्रेशर होगा पुराने प्लेयर्स में से? इंडिया में कौन सा अच्छा प्लेयर इस टाइम जो पुराने प्लेयर में, इंडिया में कौन सा अच्छा? तो आपने मुझे बताया ना, मैं नहीं देख रहा, मैं इंडियन टीम का मुझे आइडिया नहीं। आपने कभी पुराने उनके मैच देखे भी नहीं है? पुराने देखे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अभी उनमें
पुराने प्लेयर कौन से हैं अभी? हरभजन सिंह बता तो रही हूँ, हरभजन सिंह ऑर्डिनरी तो नहीं है, नॉर्मल प्लेयर है। हमारे बहुत से मैचेस विन कर चुके हैं जिनको आप ओला ले रहे हो, क्या हुआ है? विन कर चुके हैं तो हम भी विन कर लिए ना, हमने भी दो, हम भी आगे विन करेंगे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। तो हरभजन सिंह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, हमारे शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, मिसबाह हक है, इतने इतने ग्रेट प्लेयर हैं हमारे, इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप सिर्फ एक दफ़ा ही आया है हमारे घर, ये ना भूले। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो फैक्ट्स पर बात आती है, फिर ये क्यों कहते हैं कोई बात? अगर पहले से हार मान लेंगे ना तो मैच में भी वो फिर उसी तरह, अगर हम लोग पहले से मतलब यकीन रखेंगे हम विन करेंगे और विन करने के लिए विन मैच खेलेंगे तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अगर आप पहले मेंटली तौर पे अगर हार मान लेते हैं, अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हैं या लूजर समझ रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ खेल रहे तो आप तो ग्राउंड में भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, हैं और कौन सा है जो प्लेयर कुछ भी नहीं है आपकी नज़र में, बताएं ज़रा? यूसुफ पठान भी हैं उस टीम में शामिल। नहीं मुझे कोई ऐसा इतना कोई भी पर्सनली बताऊं, विराट कोहली या कोहली नहीं है, विराट कोहली या धोनी और रोहित शर्मा या धोनी, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके प्लेयर थे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। अच्छा। जो मैच विनर प्लेयर थे, जिनको मैं कहता हूँ कि मैच जो इनके ऊपर ही इंडिया विन करता रहा पाकिस्तान के साथ, तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि ये इनमें से मुझे नहीं लगता कि ये विन करेंगे। अच्छा, इनमें से नहीं लगता? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं इनके ऊपर, मैं नहीं मानता इनको। चले देखते हैं कि कल कौन जीते। वैसे प्रेशर किसका है? बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, हो सकता है विन कर जाए। आपके मुताबिक इंडिया? मैं पर्सनली जो ना, मैं इनको इतना बड़ा प्लेयर नहीं समझता, इतना बड़ा मैं इनको वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे एज कम्पेयर टू इनकी करंट टीम रोहित शर्मा और जो विराट कोहली का प्रेशर होता है। आपके मुताबिक कल इंडिया हारने वाला है तो पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर होगा जो दब के खेलेगा, दबा के रखेगा टीम को? उसमें मुझे यूनुस खान का अच्छा लग रहा है, मिसबाह हक है, शाहिद अफरीदी भी, और शर्जील खान, बल्कि हम तो उसको जिक्र ही नहीं किया, शर्जील खान चल जाए बस मैच वन साइडेड हो जाएगा, तो बस हमारा शर्जील खान चल जाए वही इनफ हमारे लिए। थैंक यू, ना चले ठीक है, चले देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू सो मच। जी जिस तरह तो पुराने प्लेयर हमारे पाकिस्तान के थे माशाल्लाह, वो तो अच्छा खेल रहे थे, बैट्समैन भी अच्छे थे, और मुझे लगता है जहाँ तक पुराने प्लेयर हैं हमारे काफ़ी अरसे के बाद वो इन कर रहे हैं मैच में, इंडिया के भी पुराने प्लेयर हैं इन कर रहे हैं मैच में, तो मुझे लगता है जहाँ तक हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं तो अगर उम्मीद की जाए तो वो जीत भी सकते हैं, अगर इनका दिल करे तो, अगर ना करे तो फिर इंडिया जीत सकती है। दिल करे तो मतलब? दिल करे मतलब यही है ना कि इनका खुद का माइंड हो, मैच अगर फिक्स ना हो तो फिर पाकिस्तान पक्का जीतेगा, अगर मैच फिक्स हो गया होगा तो फिर आपको पता पाकिस्तान है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, पुराने प्लेयर्स भी अब मैच फिक्स कर लेंगे क्या? मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान किस तरह हालात जा रहे हैं ना, मुझे तो लगता है यही कुछ होगा, आप देख लेना। हमारी टीम जो है वो इंडिया की टीम से तगड़ी है आप कह रहे हो? जी तगड़ी है, अगर फिक्स ना हो तो, अगर फिक्स हो गया फिर इंडिया की टीम जो ना वो हमारे प्लेयर हैं उनसे तगड़ी है। फिक्स को आप एक साइड पे रख दें, इंडिया की टीम तगड़ी नहीं है क्या? नहीं, हमारे जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं पुराने, आप देख सकते हैं पुराने मैच कोई भी देख लें, हमारे जो प्लेयर हैं वो सारे जो ना इंडिया पे भारी होते थे। मगर हम वर्ल्ड कप इंडिया से एक बार ही लेकर आए हैं 1990s में, वो भी देखना हमारे पुराने प्लेयर थे, उसके बाद जब भी हमारे ये नए प्लेयर आए हैं, ये T20 भी आप देख लें इन्होंने क्या किया, माशाल्लाह पाकिस्तान की ऐसी नाक कटवाई है इन्होंने, सुबहान अल्लाह मैं कह रहा हूँ मज़े आ गया, ऐसी नाक इन्होंने कटवाई है। अभी जो टीम है बर्मिंघम में जिन्होंने खेलना है उनमें हरभजन सिंह भी शामिल है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इस तरह के लेजेंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको वो कोई लेजेंड्स नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं है? नहीं, प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, तो अगर देखे जाए अगर तो ये अपने माइंड के साथ खेलें, पाकिस्तान की इज्जत को लेके खेलें, फिर ये जीत सकते हैं, इंशाल्लाह जीत सकते हैं। अच्छा, कल किस टीम का प्रेशर होगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का होगा। कौन से प्लेयर का? ज़्यादा देख लें शायद अफरीदी का होगा, उसके बाद शुएब अख्तर का होगा। इनका अख्तर नहीं है, शुएब मलिक है। हाँ शुएब मलिक का होगा, सॉरी शुएब मलिक का होगा, इन दोनों का होगा, क्योंकि ये पुराने प्लेयर हैं, इनको जब भी मैंने देखा है इनकी बॉलिंग वगैरह और बैट्समैन जो भी, ये भी अच्छी है इनकी। इंडियन टीम का नहीं होगा, इंडियन चैंपियंस का नहीं होगा? इंडियन चैंपियन का भी होगा, मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेजेंड्स हैं, पुराने प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे मैच जीते हुए हैं, सब इन किया हुआ है, तो आपको पता है जो पुराने प्लेयर हैं आपस में मिलना है उन्होंने दोबारा, तो कंपटीशन होगा कि हमारे पाकिस्तान की टीम का भी होगा कि हम लोग जीतें, उनका भी होगा कि हम लोग जीतें, तो ये देखें इंटर को में होगा ये होगा कि इन दोनों का जो मैच है, अगर तो लेजेंड प्लेयर हैं दोनों पिछली टीमों के हैं,
मेरे ख्याल से ना इनका दोनों का बराबरी का ही होगा। बराबरी का ही होगा। इन केस अगर कल पाकिस्तानी चैंपियंस हार गए फिर तो फिर देख लें, फिर वो ही आ जाएगा फिक्स वाला हिसाब। अच्छा, तब फिक्स हो जाएगा। सब भी फिक्स है। अगर मेरी मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान जीते तब मैच फिक्स नहीं होगा, अगर पाकिस्तान हारे तो तब मैच फिक्स हो जाएगा। नहीं, फिक्स नहीं। अगर तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बॉलिंग इनकी अच्छी होगी तो फिर तो फिक्स नहीं है, फिर ये इनकी हार जीत मुकद्दर में। अगर इनकी बैट्समैन भी हमारे जो नए प्लेयर हैं इनकी तरह होगी तो फिर आप खुद ही मैच देख के समझ जाएंगे कि ये फिक्स हो चुका है। तो आज तक नहीं समझी कि मैच फिक्स है या नहीं है भाई। क्यों नहीं देख लें आप, ये T20 में क्या है, सारी टीमों से किस तरह जीते हैं ये? कौन सी टीम से? छोटी छोटी टीम से जीते हैं। जीते हैं, इन्होंने स्कोर दिया नहीं है, उनको टारगेट दिए हैं ना। छोटी टीम्स को दिया ना, बड़ी टीम से तो जीते ही नहीं है। क्यों जी, बड़ी टीम से भी जीते हैं आप। पिछली दफा अगर T20 देख लें आप, उसमें भी जीते हैं। अब लास्ट में आके मेरी एक बात आप छोटी सी, ये सारी टीमों से जीते हैं, इंडिया से क्यों ये हारते हैं मुझे आप ये बताएं, इंडिया से क्यों हारते हैं? तो USA से भी हारे हैं। तो यही कहते हैं ना, जब हार जाते हैं तो ये कहते हैं हमारे फिक्स है। इनका जब परफॉर्मेंस देख लें आप, फिक्स वाली होती है इनकी परफॉर्मेंस। फिक्स वाली परफॉर्मेंस होती है, होती है भाई। अगर तो आपका इतना प्रेशर है, दूसरी जो आप कह रहे हो इंडिया से मैच फिक्स था, तो इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीता, इंडिया तो बहुत से टीम से जीता, हमारी टीम जो कि है चुन्नू मुन्नू सी, इनको उन्होंने डॉलर देकर फिक्स करवाने हैं। जाहिर सी बात है, देखें पाकिस्तान में अब मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान हमारी टीम हमारी, उन्हें बुरा तो कह नहीं सकते। तो ये आप खुद समझदार हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ना वो पैसे को अहमियत दी जाती है, अपनी खेल को नहीं दी जाती, प्रैक्टिस को अहमियत दे बस। That's it. कोई फिक्स बुक्स का तो मुझे ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम हवाई बातें भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस में देख लें फिर, अगर जो प्रैक्टिस करते हैं जब इनके मैच होते हैं ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भी क्यों नहीं जीतते। प्रैक्टिस की आपने प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? अभी एक गद्दे वाली वीडियो वायरल हो रही है, उससे पहले कौन सी प्रैक्टिस की वीडियो थी? अच्छा, गद्दे वाली देखें जो की है वो वायरल हो गई है, अब ना दिखाएं या कोई ना देखे तो उसमें हमारी गलती तो नहीं। जब भी देख लें पाकिस्तान इंडिया से हारता ही आया। देखते हैं कि कल क्या होता है, कितने मार्जिन से जीतते हैं या कितने मार्जिन से हारते हैं, फिर उस पर फैसला होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए ना, हमारा जो यंग क्रिकेटर है, जो मतलब ये हमारा टीम है जो वर्ल्ड कप हार गया, इन लोगों के मुंह पे लानत लोग देगा, क्योंकि ये यंग है और वो जो है ना बूढ़े हैं। उसने आगे 190 का स्कोर टारगेट उसने दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो जीत गया पाकिस्तान। देखो ये जो यूनुस खान था उसने बनाया 360 स्कोर 41 बालों पे। अगर मारा बाबर आजम होता तो 41 पे वो 41 ही बना लेता, रिजवान होता वो भी इतना करता। हमारा वो पुराने प्लेयर है माशाल्लाह, वो कैसा अच्छा मैच खेल दिया, 190 जीत लिया। 190 का टारगेट बहुत टारगेट होते हैं। अगर यंग होते हैं ना, यंग बंदी नहीं जीत सकते, वो पुराने प्लेयर था माशाल्लाह, उसने अच्छा खेला वो जीत गया। आगे इंडिया के साथ जो मैच है इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी जीत जाएगा, लेकिन इन लोगों के मुंह पे क्या पड़ेगा। अगर ये इंडिया से जीत जाए और इन ये लोग देख ले, ये सारा मैच देखते हैं ना जो पुराने प्लेयर हमारा खेलते हैं, ये भी टीवी के सामने बैठ जाते हैं देखते हैं, तो इनको शर्म नहीं आते कि ये देखो कैसा खेलते हैं और हम कैसा खेलते हैं। उसमें सारा पुराने प्लेयर है, पुराने प्लेयर ये होते हैं ठीक है पहले खेल दिया, क्रिकेट है कैसे गेम है, आप खेलते हो तो आप फॉर्म में होते हो, जब आप छोड़ देते हो फिर ना वो गेम होते हैं। क्रिस गेल था कैसा बैट्समैन था, वो 12 गेंदों पे 2 स्कोर बनाया है, वो आउट हो गया। लेकिन जब वो क्रिकेट ऐसे गेम में जब आप शुरू करते हो, जब से आपने छोड़ने नहीं है छोड़ दिया, फिर आपका करियर ख़त्म हो गया उसका। हमारा टीम देखो अभी जो पाकिस्तान का टीम है, मिसबा उल हक है उसमें, शाहिद अफरीदी है और सईद अजमल है, ये सारा खिलाड़ी, यूनुस खान है वगैरह, ये खिलाड़ी खेलते हैं, ये तो सारा पुराने खिलाड़ी है, कोचिंग करते हैं। कुछ कैसे होते हैं वो सिर्फ सिखाते हैं, वो ही नहीं कहते कि मेरा स्पीड और आपका स्पीड देखते हैं कि आपका स्पीड ज़्यादा है या हमारा। वो बॉलर को सिर्फ सिखाते हैं कि आपने ऐसा बॉलिंग करने है, ऐसा बैटिंग करने है। वो आगे मैच जीत जाए और ये वाला हमारा जो बाबर आजम है वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हम इसको कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो हार जाते हैं, वो 40 गेंदों पर 40 स्कोर बना लेते हैं। टेस्ट मैच T20 गेम होते हैं 40 पे आपने बनाने, 70, 75, 100 तक लोग बनाते हैं, खिलाड़ी होते हैं। हमारा खिलाड़ी तो बाबर आजम और रिजवान है। यंग जनरेशन की बात कर रहे हो, अभी लेजेंड्स का मुकाबला हो रहा है और इंडियन टीम के अंदर भी काफ़ी पक्के खिलाड़ी मौजूद हैं, इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रायना, उनके इस तरह के जिनका नाम रह चुका है एक, तो क्या कहते हो? वो हमारे पाकिस्तान में भी है, उसका जो टीम है हमारे पाकिस्तान में, देखो शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, मिसबा उल हक है,
जो हमारे पुराने प्लेयर है उसका भी नाम है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं है, पीछे उसका भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो बॉलर है बैट्समैन है सब। इंडिया के साथ जब भी मैच होता तो प्रेशर में आ जाते थे ना हम, पहले भी और अब भी। वो बात तो सही है, लेकिन हम अब ये भी कहना चाहते हैं अपने ये जो हमारा टीम खेलते हैं इसको देखो, ये कहता था कि अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेलो, इंडिया के साथ ऐसा खेलो, ये उसको बताते हैं। अगर ये भी हार जाए इसके पता नहीं, ये भी शर्मिंदगी इसको भी होगा, क्योंकि ये भी आगे टीम को समझाते हैं ना, कहते हैं कि आपने ऐसा खेल लें, तो इनको भी जान लगाना चाहिए, प्रेशर नहीं लेगा, प्रेशर ले लिया तो फिर जो आगे हमारा जो तबका है वो नीचे वाला वो क्या सोचेगा, कहते हैं इसको कहेगा कि आप लोग हार गया उससे प्रेशर लिया, तो हम तो लेगा ज़रूर, जैसा बड़ा है ना वैसे छोटा होगा, तो इसको जान लगाना चाहिए और इसको जीतना चाहिए। हम भी ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये मैच जीतना चाहिए, बाकी आगे मैच आप जीत जाए या हार जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इंडिया से ये मैच समझो कि ये वर्ल्ड कप है, ये जीतना चाहिए। अच्छा चले, ये तो सब दुआ कर रहे हैं कि जीत जाए, लेकिन अगर ये भी यंग जनरेशन की तरह इंडिया से हार गए फिर तो फिर इसको भी शर्मिंदगी होगा बहुत शर्मिंदगी होगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आगे ये जो यंग खिलाड़ी है उसको समझाते हैं कि आपने इसी तरह खेलने, ऐसा प्रेशर को हैंडल करने, अगर इस पे प्रेशर पड़ गया तो फिर उसने भी देखने का, आपने प्रेशर लिया तो मैं भी इस सिचुएशन में क्या खेलूँ, आपने खुद नहीं खेला है तो मैं क्या खेलूँगा। थैंक यू सर।